गाइस विश यू अ वेरी हैप्पी ओनम। हम आए सुबह सुबह चर्च में। आज मैंने पहना है मुंड, पहले ने भी पहना है मुंड, वो तुम दिखाओ, मैं नहीं दिखा पाऊंगा इतने बड़े का तुम। और अभी होने वाला है गाइस, हैव यू एवर सीन अ केले का पेड़ लाइक दिस? दिस इज अ हाइब्रिड पेड़ ऑफ केला एंड पाम, सो दिस सिंक्रोनाइजेस रियली वेल एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने बता फ्लावर का ये पंखुड़ी खुल गई, पंखुड़ी खुल गई और बीच में अच्छा डंडी है ना, तो बहुत सारे केले निकल जाते हैं ये फ्लावर में से। तो केले निकल गए। अच्छा, ये छोटे छोटे अभी केले के बच्चे हैं। हाँ, वो फिर केले बन जाएंगे। ओके, तो एक फ्लावर में से तो बहुत सारे दर्जनों केले निकल जाते होंगे। पूरा एक जो झुंड निकल गया था वो एक फ्लावर में से तो जाता है। ओके, तो तुम अकेले क्यों रह गए इतने केलों के बाद? तुम आ गए ना मेरे लिए। ഹാപ്പി ഓണം। क्यों ये ऐसे फ्लावर्स मिलते नहीं है? अब दिल्ली में भी हम बनाते हैं पूकलम, वहाँ पे छतरपुर में फ्लावर मार्केट है ना, मैंने कभी नहीं देखा। छतरपुर में फ्लावर मार्केट है, वहाँ मिलते हैं सारे फ्लावर्स। बोलो, दाल तो तुम रही हो, तुम्हें पता होगा। खीर समथिंग लाइक खीर। खीर नहीं है, खीर तो मीठा है ना। ये मीठा नहीं है क्या? ये मीठा नहीं है, ये दिस इज व्हाट। मर्सी आंटी, हां ये ओलेन है। ओलेन, ओलेन, वेरी फैंसी नेम। फैंसी नेम। और ये वाला एरशेरी है। ओके, एरशेरी। और ये वाला कूट करी, आपको कूट करी। ओके, खाने से बाद आपको पूछा जाएगा कि ये सब क्या है। दिस इज कूटरी, दिस इज एरशेरी। I was about to say Adipalli. Adiropalli. Not Adiropalli. And sherry. Ginger curry. Yeah. I will love this. This would be spicy. Yeah. Spicy but thoda sa meetha bhi hoga. Curry nahi the. Curry the. देखे देखते देखते एक देर चलो इधर ले। പപ്പടം ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോ പപ്പടവും പഴവും കൂട്ടിയിട്ട് പായസം കഴിക്കുന്നത്
पापड़म पड़म और पायसम जो हमने खाया था वो साथ में मिला के खाना है। अरे मेरे को एक ट्रिक मिल गई। अब देखो मैं यहाँ से वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ राइट, लेकिन मैं इसमें पढ़ पा रहा हूँ। देखो जैसे मैं उसमें नहीं पढ़ पा रहा हूँ लेकिन इसमें दिस इज एयर इंडिया नमस्ते। नहीं नहीं मेरे को इसमें दिख रहा है। गाइस वी आर गोइंग बैक टू आवर
पुराना रूटीन, बट दिस टाइम हमने ये डिसाइड किया है कि लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, सो हम डेली लाइफ को ही सेलिब्रेट करेंगे हमेशा। और यहाँ पे कुछ रंगोली बनी हुई है और मेरा चश्मा टूट गया है तो मैं ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ, सो हाँ मुझे मोबाइल में क्लियर दिख रहा है। कोची एयरपोर्ट पे कितनी अच्छी सीटिंग इन्होंने दे रखी है, दिल्ली एयरपोर्ट पे तो मतलब वो नॉर्मल वाली सीट से राइट, यहाँ पे कितनी सही सीट्स हैं यार। एक से मुझे दुकान देखने दो, कितना बढ़िया सामान है, कुछ दिला रहे हो, श्रीनाथ जी की मूर्ति भी है, इतना बड़ा डोसा विद दिस बड़ा। तो हमने ऑर्डर किया है ये घी रोस्ट मसाला डोसा, जिसमें मुझे प्लेन डोसा, फिर मेरे को पता चला इसमें आलू नहीं है तो मैंने अलग से उनसे आलू मांग लिया। वो फैन बोल रहा था कि नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे मत मांगो, मैंने कहा भाड़ में जाओ। इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं ना ये, आई कांट टेल यू, मज़ा आ गया बैठ के। दिल्ली वालों को भी ऐसे ही लगानी चाहिए एयरपोर्ट पे सीट्स। थोड़ी दाढ़ी वापस आ गई है, मेरे को पतला होना है।